वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। कहती है आपको खुश आमदीद। और यूथ सेगमेंट में आपने पहले एक स्पेशल हमारे गेम्स जो है टेनिस से जो रेलेवेंट यूथ थी उससे आपको मिलवाया। अभी जो है वो हमारे पास जो है बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, बच्चों के लिए अवेयरनेस है, एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। और हमारे मुल्क में स्कूल में जो एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी होती है, वो बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिविटी प्रेजेंट करती है। और डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कुछ कलर्स के थ्रू, कुछ प्रोजेक्ट बना के हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। और इन्हीं में वो बच्चे आगे बढ़ के जब बढ़ते हैं और आगे एजुकेशन हासिल करते हैं, इन्हीं में लोग साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं और अच्छा अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लाइक के अपने जो शुरू से इनिशियली जब उनके अंदर क्रिएशन पैदा होती है तो वो साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, मेडिसिन में फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वो उनके कुछ ना कुछ क्रिएशन होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो इसी तरह मैं जो कहना चाह रही हूँ, स्कूल्स में जब बच्चों की टैलेंट को कुछ क्लिक मिलता है, हर कोई ऐसा नहीं होता, टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चों में एक एबिलिटी होती है जो सबसे अलग होती है, यूनिक होती है। और आज भी आयशा भवानी स्कूल से टीचर भी आई हैं और एक बच्चा भी आया है जिसने कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर मॉडल के तौर पे बनाए हैं। हम उनसे भी मिलवाते हैं और देखते हैं आज वो क्या क्रिएशन लाए। हमारे मुल्क में बहुत पॉल्यूशन हो गई है, लाइक आज देखते हैं वो किससे, यानी कि मुल्क हमारे पाकिस्तान के बारे में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। लेट्स सी, सबसे पहले मैं उनकी टीचर से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस सना। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आयशा भवानी में जब भी मुझे कुछ प्रेजेंट करना होता है तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय मरियम कैसे हो, तो मरियम कहती है हाँ सभी। तो अभी तो वैसे 9-10 के पेपर्स चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मॉडल्स मौजूद हैं, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए, तो एक बच्चा है मैं उसको भेजूंगी। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, अच्छा है, कुछ यूनिक सा हो जाए। जी हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, इनके माइंड में जो चीजें होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो जिस प्रोजेक्ट के थ्रू में बताते हैं ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, सबकी डिफरेंट चीजें होती है। तो मैम ने कहा हाँ ठीक है बच्चा रेडी है, आप लेके जाओ। वैसे आजकल के बच्चे भी हैं इतने इंटेलिजेंट, माशाल्लाह उनके दिमाग हमसे ज्यादा है, जो पहले के दौर से थे ना अब वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन के अटैच हो गए उनके साथ, तो जिस तरह वो आगे बढ़े मोबाइल फोन को यूज करे तो उनके माइंड उनके पास अब क्रिएशन के ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन, पहले तो चलते कुछ थे, अब ज्यादा हो गए कि ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें ये हम कह सकते हैं कि कंपटीशन लग गया, कंपटीशन के चक्कर में मुकाबला हो गया है कि उस मुल्क के ऐसे लोग हैं। और मैंने देखा वो बहुत सारे जो है, जैसे मुझे फ्लावर मेकिंग बहुत पसंद है, तो मैं देखती हूँ फ्लावर मेकिंग इतनी डिफरेंट टेक्निक से बनाते हैं, रिबन से, कार्ड पेपर से, और रिसाइकलिंग चीजों को बड़ा अच्छा यूज करते हैं जो हम लोग फेंक देते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है आयशा भवानी के स्टूडेंट और ये है जहांजेबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन सी क्लास में शहजादे? 7 पास किया। माशाल्लाह जी, क्या मॉडल है आपका, ये प्रोजेक्ट क्या है? एनवायरमेंट ऑफ नेचर पे हमने बनाया है। गुड। एक हेल्दी एनवायरमेंट है और एक डिस्ट्रॉयड एनवायरमेंट। ओके, हेल्दी एनवायरमेंट एंड एक डिस्ट्रॉयड। जी बताइए क्या क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जाजिब सिद्दीकी फ्रॉम आयशा भवानी एकेडमी। माय प्रोजेक्ट इज अबाउट एनवायरमेंट ऑफ नेचर। आई हैव मेड अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड अ डिस्ट्रॉयड एनवायरमेंट। आई वुड प्रेफर आवर नेशनल लैंग्वेज उर्दू टू प्रेजेंट माय वर्क सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड इट इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने अभी एक हेल्दी एनवायरमेंट रखा हुआ है। हेल्दी एनवायरमेंट अब सिर्फ हमारे गांव देहात में पाया जाता है, जहां हर तरफ हरियाली होती है, देहात साफ पानी, मीठा पानी होता है। लोग अपने घरों में भेड़ बकरियां पालते हैं जिनसे वो खालिस दूध, दही और दीगर अशिया हासिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बतौर ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों का जो धुआं होता है वो यहाँ नहीं होता, और इधर का माहौल बहुत ही खूबसूरत और बहुत खुशगवार होता है। जगह जगह हरियाली होती है, खेत खलियान होते हैं, बहुत सारे दरख्त होते हैं जो इधर की हवा को साफ करते हैं और गांव के माहौल को खूबसूरत और खुशगवार बनाते हैं। ओके, अच्छा इसमें मैंने एक चीज नोट की है कि इन्होंने कहा कि गांव देहात में
कोई भी चीज अननेचुरल नहीं होती, सब नेचुरल होती है। अब वो ओरिजिनल अगर आपको दूध मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है। हम लोगों का तो वो पहले तो ये सिर्फ होता था कि भाई इसको जो एक बड़ी सी हम दुकान पे जब जाते थे बड़े बड़े वो डब्बे ट्रंक से आते थे उसमें वो बर्फ डालते थे सिर्फ ना, तो अब बर्फ नहीं डलती, अब दो चीजें और भी ऐड कर दी कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए ना दूध हमारे लिए। तो वो पहले सिर्फ बर्फ डलती थी कि ये काफी देर तक कूलिंग में रहे, बदबू ना हमारे खराब ना हो। पहले तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना हद तक था, अब क्या हो गया है कि उसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है और इंटरनल जो ये डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इसी रीजन की वजह से कि हम लोग को जो है प्योर चीजें नहीं मिलती, खालिस चीजें। अब घर में ही मुर्गियां होंगी तो अंडे भी खालिस होंगे, और फिर उसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है गाड़ी नहीं बल्कि बैलगाड़ी जो सफर के लिए यूज की जाती है, जब धुआं ही नहीं होगा तो माहौल क्यों पॉल्यूटेड होगा, वो ऑफकोर्स क्लियर होगा। तो मैं जिस तरह मैंने कहा नेचर जो है, हम जितनी नेचर के करीब रहेंगे और जिस तरह जैसे सना आपने देखा होगा कि हम लोग नेचर से दूर होते दूर चले जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं वो ज्यादा हम लोग बीमार समझ लो, सेहत खराब हो गई हमारी बहुत ज्यादा ना। तो सेकंड उन्होंने एक जुमला कहा था कि एक मेरे पास नेचर और एक जो है नेचर से दूर अगर हम है तो फिर हमारा वो माहौल क्या है, हम ओवर टू झांसीब चलते हैं। जी झांसीब, इसके बरक्स अगर हम किसी शहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है बंजर बियाबान कर दिया इस बच्चे ने। जी 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 जी, ये क्या हो गया, बच्चे ने बताई बिल्कुल बहुत अच्छा चलता बहुत अच्छा। जी इसके बरक्स अगर हम किसी शहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें एक आलूदा ज्यादा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन के बायस धूल उठने वाली धूल मिट्टी और गाड़ियों का बेपनाह शोर और इनका जो धुआं होता है ये हमारे माहौल को खराब कर रहा है। ये देखें जगह जगह कचरे के ढेर हैं, डस्टबिन होने के बावजूद भी कचरा रोडों तक आ जाता है, इतनी गंदगी है। और इसी कचरे ने हमारे सीवरेज के निजाम को भी मुतासिर किया हुआ है, नदी नालों में भी कचरा है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए दरख्तों को काट दिया जाता है, तो हमारा ऑक्सीजन कैसे, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा जब दरख्तों को ही काट देंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस माहौल की तरफ भी कुछ तवज्जो दें और हमने इस माहौल को खुशगवार और खूबसूरत बनाएं। जबरदस्त बेटा, अच्छा एक बात बताओ, बहुत खूबसूरत आपने दोनों चीजें दोनों प्रोजेक्ट को बहुत क्लियर विजन में बताया कि हमारा जो है देसी या नेचर के करीब, यूं कहूंगी देसी तो नहीं कहूंगी, नेचर के करीब अगर हमारी लाइफ है तो कितनी माशाल्लाह हेल्दी है, और अगर हम अननेचुरली चीजों में या हम लोग बिल्कुल वही बात है प्लांट्स बिल्कुल काट दें तो हमारी वो जिंदगी कितनी प्रॉब्लम है। ये बताए जिस तरह आपने देखा कि वो सेवरेज में अब शॉपिंग बैग हम लोग ही कचरा फेंक रहे हैं, हमारा नाला बहुत आसान है, मैंने खुद देखा नाले में लोग क्या करते हैं पूरे पूरे कचरा जाके फेंक देते हैं, हम चलते फिरते भी उनको डस्टबिन लगता है नाला उनको ना। जैसे हम रस्ते में चल रहे थे हमने वहां पर जूस पिया और स्ट्रॉ वगैरह बाहर, ये भी होता है, ये हम ही कर रहे हैं और कौन कर रहा है। अच्छा इससे फिर पता क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो ये जाके वो ब्लॉकेज होता है, वो जो वॉल होता है जिसमें से पानी से गुजरने, अब वो जब ब्लॉक होता है तो पानी वो नाले से बाहर आ जाता है, अब वो बाहर आता है तो आप लोग जाके बोलते हैं जी वो केएमसी वाले ये वाले वो वाले, केएमसी वाले तो कचरा नहीं फेंकते, आप कचरा तो आप फेंकते हो, तो आप क्या सोचते हो कि आगे हमारा जो अगर यूं ही दरख्त कटते रहे और बिल्डिंगें बनती रही तो हम लोग आगे बच्चों का मुस्तकबिल कितना हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि दरख्त ही तो हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेंस करके, तो जब दरख्त ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है आगे के लिए अगर हम दरख्तों को ना लगाएं और इनको काटते रहें। तो आगे कैसे हम लोग, अभी जैसे प्लांटेशन है तो फ्लैट में जो रह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी सिर्फ फुटपाथ जो है ना वो वैसे बने हुए नहीं, वैसे तो फुटपाथ है लेकिन वो कच्ची मिट्टी है, तो वो ऐसे ही एक्स्ट्रा इतनी खुली जगह पे पड़े हुए, अगर वहां पर ये लोग फ्लैट वाले अगर सामने जाकर वो थोड़ा प्लांटेशन कर ले, और कुछ लोगों में अभी भी जस्तुजू है प्लांट की, वैसे अच्छा लगता है ये गार्डन करना, वर्क तो करना चाहिए। और उसमें क्या होगा, वो अगर दरख्त जरा तनावर, नीम का दरख्त बहुत जल्दी लग जाता है, समझने का दर्द बहुत जल्दी लग जाता है, एक और भी प्लांट है जो मेरे बहुत जल्दी लग जाते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं और उनको जब वो हवा होती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, आपको देखे ना आजकल कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन हम अगर हम दरख्त ढूंढ रहे होते हैं दरख्त का, तो ये हमने ही किया है ना, अगर हम चाहे तो अपने माहौल को बेस्ट बना सकते हैं, हमारे हाथों में, आप कचरा नहीं फेंको, जहाँ पर जगह है वहाँ फेंको, आप दरख्त लगाओ। देखिए बारिश होती है तो वो दरख्त जो जमीन पे होते हैं वही तो हमारे पानी को सॉक करता है, आप देखिए अगर वरना ये ना हो तो पानी जगह जगह कोने पे, ये
अब जिससे बकरीद करीब आती है गटर में बिल्कुल ये चीज हमारी हम लोग कर रहे हैं, कहीं से थोड़ी हो रहा है। अब गाँव का माहौल जो कह रहे हैं वो उन्होंने बनाया ना, हम भी कर अच्छा, सकते हैं अगर चाहे तो। बहुत अच्छी बात की, मैं पूरा यकीन करें मैं घूमी हूँ इस्लामाबाद मरी और बहुत सारी जगहों पे, मुझे वहाँ पे कचरा नहीं नजर आया, नजर नहीं आता। क्यों भाई, वो भी तो इंसान है, हम भी हैं। जबकि वहाँ पर इतना खास सीवरेज का इंतजाम नहीं है, उसके बावजूद यकीन करें मुझे वहाँ पर कहीं पर भी गंदगी, गटर का पानी, ये सब मुझे उस शहर में नजर नहीं आया। मैं बल्तिस्तान, बसीन और ख्वाजा खेल और इतनी खूबसूरत जगहों पे मैं घूमी हूँ, मैं बाबूसर टॉप और ये बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी जगहें मैंने देखी, उंजा, कागा, नारन, मैं सब जगह में, बल्कि वहाँ पे जितने भी होटल्स भी हैं देखा जाए तो वो लोग भी गंदगी कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें उनको पता है कि टूरिज्म यहीं पर आएगा तो गंदगी तो होने ही नहीं देते। आप हमें देखें ना, सिंपल सी बात है, हमको जिस खाते चिप्स ही खाते हैं वो खा के रेपर हम नीचे फेंक देते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये कौन, हम ही तो कर रहे हैं। अगर आप वो सिंपल से डस्टबिन जो है आप उसमें डालो कॉर्नर, हर कॉर्नर पे। अच्छा, हम नाले में कचरा डालते हैं, और मैं यकीन करूं मैं सच कह रही हूं, मैं इतना घूमी हूं वहां पर, जो वहां पे जगह जगह तो पानी है, जगह जगह पानी, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं डली हुई कि शॉपिंग बैग डले हुए हूँ, क्योंकि वहां क्या दुनिया नहीं रहती, वहां पर लोग नहीं रहते। मैं हैरान होती हूँ इतनी हसीन हसीन वादियों में मैं घूमी। अब जबकि कहते हैं कि पढ़े लिखे ज्यादा कराची में मौजूद है, हर ज्यादा मसला, लेकिन क्या हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तार जरा सही कर लूं। अच्छा जी, जहाँ से आपका बहुत शुक्रिया, कुछ मैसेज देना चाहेंगे चंदा? खुलासा ये है कि हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्तों को लगाएं, कचरे को उसकी सही जगह पे फेंकें, और कचरा फेंकने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें, और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाएं। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट फ्रेंड्स, नॉट ओनली मी बट ऑल माय फेलो स्टूडेंट्स can be a part in saving this beautiful natural environment given to us by Allah. Thank you so much jahan se, bahut pyara aapne mai motivational message di, aur beta aap log hamara future ho aur ye bacche hamara future hai, agar hum logon ne apne bachchon ka future, unki health agar save karni hogi to hume jo hai na कमर कस लेनी है और खूब प्लांटेशन करनी है। इतनी ज्यादा स्पेस खाली है और इसके लिए कोई इतनी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके लिए कोई खेती बाड़ी नहीं करनी होती, थोड़ा सा उसको प्यार से सींचना होता है और यकीन कर उसके बाद वो खुद ब खुद ऐसे आगे बढ़ रहा होता है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के टैलेंट की तरह, कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी सपोर्ट, उसके बाद वो अपना काम प्रेजेंट करता है, सेम ऐसा ही। जाते जाते सना आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं भी यही कहूंगी कि देखिए सबसे पहले हम माहौल ही पहले अपने आप को हम सही करें, जब हम खुद सही होंगे ना तो हर चीज बेस्ट हो जाएगी, तो फिर हमें देखे देखिए हर कोई यार ये भी सही करी, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह फिर खुद ब खुद पाकिस्तान खूबसूरत नजर आएगा। पहले हम अपने आप को सही। थैंक यू सो मच आयशा भवानी, थैंक यू सो मच मिस सना भी मौजूद थी जहां से भी। और जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।